हम आपके सामने चारों वेदों का एक एक मंत्र रखा जाएगा। आप यदि चारों वेदों का पारायण न कर सकें तो इन चारों वेदों का एक एक मंत्र प्रतिदिन अपने घर में टेप द्वारा सुनेंगे तो चारों वेदों के पाठ का फल आपको प्राप्त हो। हमारे हिंदू धर्म का सिद्धांत है कार्तिक महीने में गंगा यमुना सरोवर तथा अन्य पवित्र नदियों का स्नान करना। अगर सारा महीना न हो सके तो अंत के जो पांच दिन हैं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, अगर पांच भी न हो सकें तो पूर्णिमा के दिन स्नान करें तो सारे कार्तिक महीना के स्नान का जो फल है वो आपको मिलेगा। तो मैंने समझा ये हमारे बंधु इंडिया से बहुत दूर आ गए हैं, ये शायद पूरा चारों वेद का पारायण तो घर में ना करा सकें और ना कोई करने वाला शायद विद्वान ब्राह्मण या संत ही मिल सके, इसलिए अपने बेटों को वो चीज दे जाऊं कि मुझे फिर आना ना पड़े और ये घर बैठे ही चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर दे। ओ यज्ञस्य देव मरित्वयम् होतारम् रतनधातमम् ऋग्वेद मंडल फर्स्ट सूक्त फर्स्ट मंत्र फर्स्ट इशेतोर्ये त्वा वायवस्थः देवो वः सविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्धुम घन्या इंद्राय भागम प्रजापतिरनमीवा अजक्षमा मावस्तेन ईशत मागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुवीर यजमानस्य पशून पाही। शुक्ल यजुर्वेद अध्याय फर्स्ट कंडिका फर्स्ट। अगन आया ही बीते अगन आया ही बीते गिरणानो हव्य दाते निहोता सदसि बरहिषी सामवे परपाठक फष्ट अर्ध फष्ट दस्ति फष्ट मंत्र फष्ट। ओम ये त्रिसवता परियंती विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्नो अद्दद धातु मे अथर्ववेद कांड पहला मंत्र सूक्त पहला मंत्र पहला। अब अगर चारों वेदों का भी एक एक मंत्र आप सुनने में आलस करें तो भाई फिर इस मंत्र को सुन लिया करें। इस मंत्र का नाम गायत्री है और वेद माता है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।